जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है जिसमें लोग, जिस अलमारी में लोग अपना पैसा रखते हैं, अपना धन रखते हैं, उसके ऊपर सारा टाला, सारा घर का कबाड़, कभी खाली बक्से, कभी जो ब्रीफकेस खाली रहते हैं वह रख देते हैं, कभी उनमें पुराने कपड़े या नए कपड़े भरकर अलमारी के ऊपर रख दिए जाते हैं। जो भी हमारे काम की वस्तु नहीं है हम अलमारी के ऊपर बैगों में रख देते हैं। जो भी वस्तु हम लोगों के लिए अनुपयोगी है हम अलमारी के ऊपर रख देते हैं। लेकिन आप मानेंगे नहीं, यदि आपके यहाँ धन संपत्ति की कुछ परेशानी चल रही है, धन लक्ष्मी की कुछ परेशानी चल रही है, एक बहुत बड़ा कारण यही है। आप जिसमें अपना पैसा रख रहे हैं, होती है अलमारी पैसे रखने के लिए ही होती है, लेकिन जब आप लक्ष्मी को पूछते हैं, धन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद यदि ऊपर आप अपने घर का अटाला रख देते हैं, जो आपके लिए अनुपयोगी है उन वस्तुओं को रख देते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी आपकी घर में निवास करेगी? अपमान कर चलिए, ये लक्ष्मी का सरासर अपमान है। आप अपने घर में भी कभी देखना कि आप पूरे घर की बहुत अच्छी सफाई करवाते हैं, बहुत ही स्वच्छ, रोज पोछा लगता है, झाड़ू लगती है, कहीं मकड़ी का जाला नहीं मिलेगा, कहीं कचरा तो आपको दिखेगा ही नहीं घर में। लेकिन जिसमें आपने पैसा रख के रखा है, जिस अलमारी में आपने अपनी लक्ष्मी रख के रखी है, उस अलमारी के नीचे या उस अलमारी के पीछे जाले बने हुए हैं, ढेर सारा कचरा उसके नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर अलमारी के ऊपर अटाला पड़ा हुआ है और अंदर लक्ष्मी रखी हुई है, धन रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है। आप जब भी सफाई करें, सबसे पहले तो हम अपने घरों में अलमारी के जो रखते हैं उसकी दिशा पूर्व उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। जो अलमारी का दरवाजा होता है पूर्व दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर, दोनों दिशा में से कोई भी सी भी दिशा की ओर खुलना चाहिए। हमारा डायरेक्शन पश्चिम या दक्षिण की ओर होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने घर की धनलक्ष्मी को बढ़ाने का, पैसा बढ़ाने का। साथ ही जब आप अपने घर में अलमारी रखते हैं, हम दीवार से सटा कर रख देते हैं, जिसके पीछे अच्छे तरीके से पर्याप्त सफाई नहीं हो पाती, ना हम अच्छी तरीके से अलमारी के नीचे सफाई करते हैं और ना ही पीछे की तरफ। आप थोड़ा सा दूर रखेंगे, यदि दीवार से सटा के नहीं रखेंगे तो आप कर सकते हैं। यदि नहीं, रोजाना संभव नहीं भी होता है, एक दिन की आड़ में, दो तीन दिन में या सप्ताह भर में, कभी भी आप उसके पीछे से जाले निकाल सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, और अलमारी के ऊपर अटाला ना रखें। आप इसके लिए बहुत ही सुगम उपाय बताती हूँ मैं। आप एक न्यूज़पेपर कागज ऊपर बिछा सकते हैं, रफ कपड़ा, कोई भी फालतू कपड़ा आप ऊपर से बिछा सकते हैं, और सप्ताह में किसी दिन भी आप निश्चित कर लें, या जिस दिन आपको टाइम मिले आप वह कागज ले लें, और या कपड़ा बिछाया है, जो भी आपने बिछाया है उसे लेके बाहर झड़कार दें, बस हो गई सफाई। आप यदि इतना करते हैं, यदि आपकी अलमारी में आईना है आप उसे भी स्वच्छ रखें, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके घर में। जो भी यदि आईने हैं, अलमारी में आईना है तो आप उसको साफ स्वच्छ रखते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके घर में पड़ता है। आप देखना, आप अपने घर के आईने साफ करके देखना, अलमारी को साफ रख कर देखना, लक्ष्मी की कैसे बढ़त होती है, साथ ही बीमारियों की कैसे कमी होती है। आप इन दोनों बातों को विशेष तौर पर ध्यान देना, कभी भी आजमा कर देखना। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है कि क्यों हमारे घर में अचानक से आने वाला धन कम होता चला जाता है। अब मैं कैसे आप लक्ष्मी बढ़ा सकते हैं, कैसे अलमारी का सम्मान बढ़ा सकते हैं जो हमारे धन की रक्षा करती है। आप एक पान का पत्ता ले लें। आप ये कार्य किसी भी सोमवार को, सोमवार से शुरू कर सकते हैं। आपको लगातार 27 दिन तक करना, बहुत छोटी छोटा सा उपाय है, कोई बहुत बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप करते हैं तो आपको उसका प्रतिफल बहुत बड़ा मिलता है। आप एक पान का पत्ता ले लें, 3 इलायची, 3 ही लौंग,
लोंग जो फूल वाली लोंग होती है वो होना चाहिए, और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। जैसे पान का बीड़ा बनाते हैं आप, वैसे बीड़ा बना लीजिए इस पान का और अलमारी के ऊपर आप रख दीजिए अच्छे से पान का बीड़ा बनाकर। और जो आप अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में धुआं दीप वगैरह करते हैं, धूप दीप लगाते हैं, उस समय अगरबत्ती आप या दीपक आप इस पर भी दिखा दीजिए, अलमारी के ऊपर जो आपने पान रखा है उसको भी दिखा दीजिए, फिर वापस वो अपने मंदिर में ले आकर रख सकते हैं। आपको यह कार्य लगातार किसी सोमवार से शुरू कर, या सोमवार से नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा से शुरू कर, और यह कार्य आपको शाम की समय ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप शाम को जब भी 6 बजे के बाद आपको अपने घर में दीपक लगाते हैं उस समय आप ये कार्य कर सकते हैं। सिर्फ 27 दिन कंटिन्यू में करना है। जब यदि आप महिला हैं और मासिक धर्म संबंधी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप उस समय में अपने घर के बच्चों से या किसी दूसरे अन्य से, पति से या परिवार में जो भी कोई मेंबर कर सके उसे कार्य करवा सकते हैं, लेकिन इसको लगातार 27 दिन तक करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ अम्बानी जैसी संपत्ति हो, धन हो, पैसा हो, तो आप बिल्कुल आपको ये कार्य करना चाहिए। और साथ ही जो पान का पत्ता आपको डेली बदलना है, रोज बदलना होगा, लेकिन जो अंदर की सामग्री है, इलायची, लौंग और दालचीनी, ये आप वही वाली यूज करें जो पहले पान में रखी हुई थी। आप उसको पान को उतारें, खोलें और अंदर की सामग्री दूसरे पान में रख लें, और जो पान का पत्ता आपने रखा था पहले दिन उसे किसी वृक्ष के नीचे या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या अपने पूजन की सामग्री जहां ठंडी करने की सामग्री, विसर्जित करने की सामग्री रखते हैं उसमें रख सकते हैं। और जब लगातार 27 दिन तक ये कार्य हो जाए उसके बाद आप जल में प्रवाहित कर दें। यह सबसे अच्छा तरीका है इसका, आप पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें रोजाना, या बरगद के वृक्ष के नीचे डाल दें, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दें, किसी भी वृक्ष के नीचे ये पान के पत्ते को आप डाल सकते हैं। इसे चींटियां या कोई अन्य छोटे छोटे जंतु, जीव जंतु भोग के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप कर देखें, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल उपाय है। बस ये है कि आपको लगातार 27 दिन तक करना है, और मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आप जो भी कार्य करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपके हर कार्य सफल होते जाते हैं, और यह लक्ष्मी प्राप्ति का अचूक अचूक उपाय है। कर देखें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय।